नमस्कार दोस्तों, बीके कंप्यूटर हिंदी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, गूगल क्रोम के बारे में। हम कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में आज जानेंगे, शायद जिनके बारे में आपको पता नहीं हो। दोस्तों, यदि आप गूगल क्रोम को मात्र एक ब्राउजर के तौर पर यूज करते हैं तो आप गूगल क्रोम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हम गूगल क्रोम की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट ट्रिक है दोस्तों, आप गूगल क्रोम को एक कैलकुलेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो आपको यहाँ गूगल क्रोम के सर्च बार में आपको, जैसे मुझे 5 × 5 किया मैंने, यहाँ आप देख सकते हैं 25 आ चुका है। और यहाँ पर मैं एक बड़ी कैलकुलेशन करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं 54 × 8 − 22 / 5, ये देखिए, यह 427.6। ओके, तो इस तरह आप गूगल क्रोम को एक कैलकुलेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि जैसे आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है, ओके, और आपके सिस्टम में पीडीएफ वीवन नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास ये पीडीएफ फाइल है, और मान लो मेरे सिस्टम में पीडीएफ वीवन नहीं है, तो आपको इसे किस तरह ओपन करना है देखना है। तो इसके लिए आपको इस फाइल को अपने माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस तरीके से ड्रैग करना है, और यहाँ गूगल क्रोम के सर्च बार में आपको इसे छोड़ देना है। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं ये पीडीएफ फाइल यहाँ ओपन हो चुकी है, और यहाँ आपको जो एक पीडीएफ व्यूअर में जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आप इसे डायरेक्टली सीधे ही डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड के लिए, और यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, और यहाँ से आप इस फाइल को रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, और नीचे आओगे तो आप यहाँ से आप इसे फिट टू पेज, ओके, और यहाँ से आप इसे जूम इन और जूम आउट। तो जो एक पीडीएफ व्यूअर के अंदर जो भी ऑप्शंस मिलते हैं वो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ गूगल क्रोम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, जैसे मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, ओके, आप टेक्स्ट फाइल को भी अपने क्रोम की मदद से देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से देखिए, ये मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट व्यूअर नहीं है आपके पास तो आप इसे गूगल क्रोम की मदद से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये ट्रिक्स अच्छे लग रहे हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस और कंप्यूटर ट्रिक्स, मोबाइल ट्रिक्स आपके लिए लेके आता रहूँगा। और जो नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे एक इमेज है हमारे पास, ओके, मान लो इमेज व्यूअर नहीं है आपके सिस्टम में तो इसे भी आप बिल्कुल इसी तरह अपने गूगल क्रोम की मदद से देख सकते हैं। ओके, और गूगल क्रोम जैसा कि आप जानते हैं, इसे आप एंड्रॉयड मोबाइल में भी यूज़ करते हैं और कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं, यानी कि इन ट्रिक्स को आप अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लो मेरे पास ये वीडियो है, ओके, और आपके सिस्टम में कोई मीडिया प्लेयर नहीं है तो आपको उस वीडियो को कैसे देखना है, कैसे ओपन करना है, तो सेम प्रोसेस है इसका भी। यहाँ से हम अपनी इस वीडियो फाइल को इस तरीके से ड्रैग करेंगे और यहाँ गूगल क्रोम के सर्च बार में छोड़ देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा वीडियो प्ले हो चुका है, ओके, और यहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो एक मीडिया प्लेयर में मिलते हैं। यहाँ देखिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से फुल पेज कर सकते हैं आप इसे, और यहाँ से पिक्चर इन पिक्चर का जो एक कॉर्नर पर जो प्ले होता है वो सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे इस तरीके से। ओके, और जो अगला ट्रिक है दोस्तों, जैसे मान लो आपने अपने क्रोम के अंदर दो वीडियोस ओपन कर लेता हूँ, दो कर लो या तीन वीडियोस आप यहाँ पर ओपन कर लो। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, यहाँ से मैं कोई लिंक ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, और एक वीडियो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो टैब में दो वीडियोस ओपन कर लिए हैं, और मान लो आपको इनमें से किसी एक वाली टैब में जो वीडियो चल रहा है उसके वॉल्यूम को आपको म्यूट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
जैसे इस टैब के वॉल्यूम को आपको म्यूट करना है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और ये आ रहा है म्यूट साइड, आप यहाँ से इसे म्यूट कर सकते हैं। यानी कि आपके क्रोम के अंदर मान लो 5 टैब में वीडियोस प्ले हो रहे हैं और आप चाहते हैं 4 का जो वॉल्यूम है उसे म्यूट करना चाहते हैं आप, और 1 का वॉल्यूम आप बिल्कुल सुनना चाहते हैं, तो इस तरह आप चारों टैब्स के जो वॉल्यूम हैं उन्हें आप म्यूट कर सकते हैं। और इसे अनम्यूट करने के लिए आपको अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे अनम्यूट सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, और नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, अब आपको इसी वीडियो को इस टैब में ओपन करना है, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है अगेन और यहाँ आ रहा है डुप्लीकेट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सेम वीडियो आपको दूसरे टैब में मिल जाएगा। ओके, तो सेम वीडियो आपको दूसरे टैब में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं हम। यहाँ से मैं एक और न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, इन्हें क्लोज कर देता हूँ। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, खासकर यूट्यूबर्स के लिए। जैसे आप चाहते हैं कि जब भी आप गूगल क्रोम को ओपन करें तो यूट्यूब जो है गूगल क्रोम ओपन करते ही क्रोम के अंदर ओपन हो जाए। ओके, या फिर कोई अदर साइड हो सकती है, आप चाहते हैं किसी साइट को जब भी मैं क्रोम को ओपन करूँ तो वो साइट सबसे पहले ओपन हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर है यूट्यूब, मैं ओपन कर लेता हूँ। और आप चाहते हैं कि जब भी हम गूगल क्रोम ओपन करें तो यूट्यूब का ये पेज ओपन हो जाए, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ आ रहा है पिन का ऑप्शन, मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से पिन। मैंने यूट्यूब को पिन कर दिया है, अब मैं यहाँ से गूगल क्रोम को क्लोज कर देता हूँ। ओके, मैंने क्लोज कर दिया और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब अगेन हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो हमें यूट्यूब ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ अपने आप यूट्यूब ओपन हो जाएगा। और यूट्यूब की जगह आप कोई भी साइट इसमें इस तरह पिन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप किसी भी वेबसाइट को अपने क्रोम के अंदर पिन कर सकते हैं। और इसे अनपिन करने के लिए आपको अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है इसे अनपिन। ओके, अब ये अनपिन हो चुका है। और एक और बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, जैसे आपको किसी आर्टिकल को या किसी पोस्ट को, जैसे यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया .com, यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, टाइम्स ऑफ इंडिया जो एक न्यूज़ वेबसाइट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आर्टिकल है मैं इसे PDF में सेव करना चाहता हूँ, ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल को आपको PDF में सेव करना है तो यहाँ पर गूगल क्रोम की मदद से आप उसे सेव कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको अलग से PDF व्यूअर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस फाइल को ओपन करने के लिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ कि PDF फाइल को भी आप गूगल क्रोम की मदद से ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट के ऊपर जाना है और यहाँ आ रहा है प्रिंट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P दबाकर भी इस पेज को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ आ रहा है डेस्टिनेशंस, इसके जस्ट सामने आप यहाँ देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, इस वाले एरो के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ आ रहा है सेव एज PDF, सिंपली आपको सेव एज PDF के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे सेव कर देना है। तो इस तरह आप किसी भी आर्टिकल को या किसी भी पोस्ट को, किसी भी वेबसाइट का आर्टिकल हो या पोस्ट हो, उसे आप PDF फाइल में गूगल क्रोम की मदद से सेव कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम की मदद से इसे सेव कर दिया। अब यहाँ आप इसको कोई नाम दे सकते हैं और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं PDF फाइल, और सिंपली आपको यहाँ सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक्स कैसे लगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर ट्रिक्स और मोबाइल ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।